कई दिस इज शहबाज फ्रॉम टेगरी चैनल को आज बात करने वालों में आयोमी फोन भारत में जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया हुआ है उसके किसके साथ टेक्नोलॉजी आई हुई है, क्या अपडेटेड इसमें है और सबसे सस्ता फोन है। जानने के लिए आप कंटिन्यूस वीडियो को देखें, मैं आपको सारी डिटेल से यहाँ बताता हूँ आयोमी फोन के बारे में। आयोमी प्रो आई प्रो की कीमत क्या है, आईमो में एडवांस फीचर्स क्या ऐड हुए हैं, हांगकांग के बेस्ट आईमो ने भारत में अपने सस्ते स्मार्टफोन को फुल व्यू डिस्प्ले के साथ लॉन्च कर दिया है। नई आईमो प्रो आई प्रो के एंट्री लेवल प्राइस के साथ बेहतर ही आपको इसका स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। जो भी आप मैं यहाँ पे आप बता रहे जा रहा हूँ जो उसकी कीमत हो स्टार्टिंग की 3000 मतलब 3999 रुपये की है, इसे आज से ही ई कॉमर्स वेबसाइट पर फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव सेल किया जाएगा। मतलब इसको भी स्टार्ट हो गया सेल करना, जैसे कि मैंने आपसे बताया था बिग बिलियन डे में कि स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और आज ही से आप इसको परचेज कर सकते हो। इस स्मार्टफोन के साथ रिलायंस जियो की फुटबॉल ऑफर मिल रहा है। अब ये देखिए इस ऑफर में यूजर्स को 2200 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। बहुत बिग बिलियन डे है जो हर लोग मुझसे पूछे हुए सवाल किए थे और मैं हर सवाल का जवाब मैं संडे क्वेश्चन सेंसर्स में दूंगा, क्या है उसमें, कैसा सेशन में चलाऊंगा उसमें, वो मैं आपको डिटेल में वहां पे बात करूंगा। तो इस ऑफर को अब 2200 रुपये के कैशबैक के साथ मिलेगा भी। आपको इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए यूज़र को पहला रिचार्ज 198 रुपये 299 रुपये का कराना होगा। इसके बाद कंपनी 50 रुपये की कीमत 44 रुपये कैशबैक वाउचर क्रेडिट करेगी। बता दें कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ माई जियो ऐप पर उपलब्ध होगा। जियो की इस ऑफर का लाभ नए और मतलब इसका जो फायदा आप उठा सकोगे सिर्फ अपने करेंट ग्राहक उठा सकते हैं जो पहले से हैं, और जियो के वाउचर 31 मई 2022 तक अवैध मतलब इसका वहां तक ले जाता 2022 तक, बहुत दिन है इसका गाइस। तो आप इस फोन का फायदा तो उठा ही सकते हैं। आईमो आई प्रो में 4.9 इंच फुल डिस्प्ले व्यू दिया गया है। हम अगर बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें दिया गया है रेजोल्यूशन 960x480 उसका पिक्सल है। कंपनी के इस डिस्प्ले शट प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ दिया है। इसमें ये भी डिस्प्ले है कि ये डिस्प्ले टूटेगी नहीं, बस डिस्प्ले आते हैं जो टूट जाते हैं, लेकिन इसमें ये भी खासियत है। इस स्मार्टफोन में मीडिया मतलब इसमें जो मीडिया टेक MT6737 चिपसेट दिया गया है, जिसके साथ ही इसमें 1 GB रैम के साथ 8 GB इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है। हालांकि इतने कम प्राइस में बहुत है और उसके साथ साथ भी ऑफर भी हैं। और इसमें जो आईमो ने इस डिवाइस में फोटोग्राफी के लिए 5 MP रियर कैमरा इसमें सॉफ्ट LED फ्लैश दिया जाता है। और वहीं पर अगर बात करें वीडियो कॉलिंग की तो सेल्फी की इसमें 5 MP इसका कैमरा है। इसके साथ ही इसमें सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक भी है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ दिया जाता है। अभी क्या चाहिए इसमें, ताकि बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। इसमें और भी इसमें मौजूदा कैमरा MAR इमोजी का सपोर्ट दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए आयोमी में जो आईब्रो 2G 3G और DDLTE 4 FDD LTE एडिशन के साथ जो वाईफाई ब्लूटूथ और GPS की 66 डिवाइस एंड्रॉयड 8.1 ओरियो गो एडिशन स्मार्टफोन में डिवाइस 2000 mAh की बैटरी, मतलब जैसे ही MI Note 3 की बैटरी आती है और भी लोगों की बैटरी आती है उससे भी वो तो 3000 की होती है, MAH 3.5 तक होती है, इसमें 2000 mAh की बैटरी लगा की बहुत है इस रेट से। अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने के तो आप देख सकते हो विंडो शॉपिंग करके, आप ऑनलाइन मार्केट फ्लिपकार्ट पे और भी कहीं पे आप पता कर सकते हो और माई जियो आप करके जाके वहाँ पे देखो किस तरीके से है। दूसरी अपडेट जो है एप्पल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 12 को 48 घंटे मतलब 48 आवर्स में 10% लोगों ने किया इंस्टॉल। देखते हैं क्या है इसमें, तो बताता है इसमें कि गूगल जब भी अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज करता है, मतलब गूगल जब भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ करता है उसका एडॉप्शन रेट काफ़ी कम होता है। काफ़ी साल बाद जो एडॉप्शन रेट का 25% तक ही पहुंचता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के स्लो अडॉप्शन के कारण, वही एंड्रॉयड के मुकाबले iOS का जो एडॉप्शन का फेस्ट अडॉप्शन का जो फास्ट होता है, जो बहुत ही फास्ट रेस उसका होता है, वो एप्पल का नए OS लॉन्च होने के बाद ही यूजर्स ने इसे जल्दी ही अपने iPhones, iPad और iPod टच डिवाइस से अपडेट कर लेते हैं। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ है एप्पल ने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में iOS 12 को ही हाल ही में रिलीज किया है, लेकिन इस बार कंपनी ने
उतने ही सहानी, मतलब जो बोलते हैं बहुत ही सहज के तरीके से आंकड़े नहीं मिले उसके। बात करते हैं क्या है, अब इसको जो एनालिटिक्स कंपनी मेगा जो मैक्स पैनल के डेटा मुताबिक होता है, आईओएस 12 का एडॉप्शन होता है, रेड इसके लॉन्च होने के 48 घंटे तक में 10% रिकॉर्ड किया गया है। इसके मुकाबले आईओएस 11 का इंस्टॉलेशन से महज ये 14 घंटों तक 10% रिकॉर्ड किया गया था। आईओएस 10 का अगर बात करें तो इसका इंस्टॉलेशन में बेस में 24 आवर्स, मतलब इसका 24 आवर्स, हाँ 24 घंटों में 14.45 था आईओएस 10, और आईओएस 11 के बीच में अगर बात करते हैं एडॉप्शन में रेट में का भी, इसमें मतलब इसका जो अगर हम बात करते हैं आईओएस 10 और आईओएस में 11, इसके बीच एडॉप्शन का रेट काफ़ी कम इसकी होने की वजह बताया गया था। आईओएस 11 ने 32 बिट डिवाइस के सपोर्ट छोड़ दिया था। तो इसमें जो एप्पल इंसाइडर, जो इसमें क्रेडिट्स है मैक्स पैनल का वाया एप्पल इंसाइडर की है, हालांकि इसमें आईओएस 11 के रोल आउट हैं इसके इसके समय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि यूजर्स में इसका एप्पल लेटेस्ट वर्जन का उसका फ़ायदा उठा सकें, और भी ऑपरेटिंग जो आईओएस 12 है अपडेट करने से जो बच रहे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में आईओएस 10 का जो 12 है एडॉप्शन रेट तेज़ी से बढ़े। इस यूजर्स को अपने आप पुराने डिवाइस में आईफोन 5S, आईफोन 5X और आईपैड एयर इसमें अपडेट अपडेट को रोल आउट करने के लिए, जिसका रोल आउट ना किस तरीके से जो अपडेट होता है इसमें इसमें करने से बच रहे हैं। और आईओएस जो 12 है इम्प्रूव परफॉर्मेंस के साथ ग्रुप फेस टाइम्स, वीडियो कॉलिंग्स और सिरी सर्कल्स के मेमोजी जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि अगर अपडेट करते हैं इसके लिए भी तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और ये थी आईफोन की कहानी, नए अपडेटेड थे और आयो में जो इंडिया में लॉन्च हुआ उसके। दो अभी के लिए वीडियो मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, अगर रिगार्डिंग और कोई अपडेट आता तो मैं वो वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। अभी के लिए वीडियो मैं बंद करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।